अक्टूबर का त्यौहार भारत देश के बिहार राज्य में मनाया जाता था, मगर आज देश भर में इस त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वहीं हम आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में सबसे बड़ा छठ घाट बनाया जाता है, जिसमें 30 घाट बनाए गए और देश विदेशों से जो लोग रहते थे वे भी इस घाट पर आकर छठ पवर का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया। साथ ही साथ हमको ये भी बता देते हैं कि दिल्ली के आसपास के लोग इस त्यौहार को देखने भी पहुँचे। लगभग 10,000 से 15,000 लोग द्वारका के सेक्टर 11 ग्राउंड में छठ पवर के त्यौहार को देखने पहुँचे, जो कि देखने में नहीं बल्कि कहने में भी दिल्ली की सबसे बड़ी छठ पवर मनाई जाती है। और इस छठ पवर को अगर हम जगह जगह देखते हैं, मगर ये दिल्ली के द्वारका में सबसे नंबर वन छठ पवर का त्यौहार द्वारका के सेक्टर 11 ग्राउंड में मनाया गया, जिसमें कि इस बार डमरू दल की टीम के द्वारा छठ पवर पूजा की गई, जिसके लिए हजारों की संख्या में लोग पहुँचे और बड़े उत्साह के साथ अपना त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर हमने वहाँ पर आए लोगों से बात की, आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। कितनी अच्छी व्यवस्था रही? बहुत अच्छी व्यवस्था रही है यहाँ पर। जैसे कि द्वारका में ऐसी छठ पूजा कहीं देखने को नहीं, काफ़ी जगह घाट बने हैं, पर जिस तरह से ये पक्के घाट और बिल्कुल हाइजीन और जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट का, जिस तरह से साफ़ सफाई रखनी है उसको पूरा ध्यान में रखते रॉबिन जी और उनकी पूरी ADRF की टीम, हिंदू परिषद की जो टीम है उनकी पूरी, उन्होंने छठ समिति के लोग, इन्होंने प्रॉपर अपना रात दिन एक करके इस जो छठ घाट को तैयार किया है, बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बनारस में आरती करने चले गए हैं या कहीं बिहार में कहीं अच्छी गंगा नदी के सामने हम छठ पूजा मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग एक संघ है हमारा भारत तिब्बत समन्वय संघ, हम उसके लिए कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर हमने इतने लोगों के बीच में छठी मैया की आशीर्वाद से हमने एक महासंकल्प लिया। महासंकल्प ऐसा कि जितने लोग थे यहाँ पर सबने भोलेनाथ जी का संकल्प लिया। और सबसे अच्छी कि काशी विश्वनाथ जी की यहाँ पे बहुत अच्छी डमरू दल जो आया यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्तुति की और बहुत अच्छी आरती हुई। तो ये हमारे लिए, मैं तो ये कहना देख रही हूँ कि पूरी दिल्ली में ऐसी छठ पूजा नहीं हुई है जो यहाँ पे रॉबिन जी करा रहे हैं। कहेंगे बनारस से आप आए हैं, कैसा यहाँ पर आपको छठ पूजा लगा और आपका जो दल है डमरू दल, इसके बारे में बता दीजिए। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का विशेष डमरू दल है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर के हम सभी अर्चक हैं। रंग भरी एकादशी हो, देव दिवाली हो, अपने काशी का देव दिवाली बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, जैसे अयोध्या का दीपावली और काशी का देव दीपावली। आज छठ पूजा समिति द्वारका द्वारा हम लोग को बुलाया गया था आमंत्रण, विशेष आमंत्रण से, तो हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जन सेवा सुरक्षा समर्पण ट्रस्ट द्वारा और भाई रॉबिन जी द्वारा इस कार्यक्रम में अतिथि बना के सम्मानित हुआ। और विराट गंगा आरती, ये गंगा आरती काशी की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है। बाबा विश्वनाथ का डमरू वादन पहले सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर में 1984 तक हुआ करता था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब उसको, विश्वनाथ मंदिर को अधिग्रहण किया सरकार के, उसमें तो काशी विश्वनाथ मंदिर से डमरू बाहर निकला पहली बार। वाराणसी की पहली शिवबारात निकली 1984 में, उस समय 1984 से आज तक हम लोग देश भर में भ्रमण कर डमरू के माध्यम से सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार विस्तार के लिए कार्य करते हैं। और आज दिल्ली में प्रथम बार
दिल्ली की इतिहास में पहली बार दिल्ली में विराट गंगा आरती हुआ। आज तक हमको लगता है कि सैकड़ों वर्षों में नहीं हुआ था, विराट गंगा आरती दिल्ली में प्रथम बार हुआ है, डमरू वादन द्वितीय बार हुआ है। और दिल्ली में इस कार्यक्रम स्थल में शामिल होने के बाद जैसे लगा कि अपने काशी से हम छूटे नहीं हैं। हम अभी इस घाटों के नाम पढ़ रहे थे तो राजेंद्र प्रसाद घाट से लेके दरभंगा घाट से लेके चाकड़ घाट से लेके पूरा 30 घाट यहाँ पे बनाए गए हैं और पूरे भारत संपूर्ण भारत के हर एक घाटों का नाम यहाँ पे चिन्हित किया गया है। मिनी काशी, आज दिल्ली के इस मैदान को मैं मिनी काशी के तौर पे पहचानूंगा, याद करूंगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज यहाँ पहुंचे और व्यवस्था काफी अच्छी रही। पिछले 20 वर्षों से हम लोग छठ का ये कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रयास रहता है कि हर वर्ष पिछले वर्ष से हम लोग ज़्यादा अच्छा करें, और भगवान की ये कृपा है कि आज तक पिछले 20 वर्षों में कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं घटी जिसकी वजह से हम लोग को तकलीफ हुई हो। हम लोग प्रयास करते हैं कि एक कंकड़ का दाना भी किसी श्रद्धालु को ना चुभे, इसके लिए आपने देखा हो कारपेटिंग कर रखा है, जल की ऐसी व्यवस्था है। दिल्ली में अगर हम लोग यमुना जी को देखें तो जो केमिकल और झाग की यमुना जी हो गई हैं उसकी जगह हम लोग दिल्ली जल बोर्ड का जल लाते हैं और उसके बाद फिर गंगा जल मिला करके इसकी शुद्धता को बनाए रखते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि इस छठ के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे देश में, क्योंकि ये एक तरह से एक मिनी इंडिया है द्वारका, लोगों को पता चल सके कि ये संस्कृति क्या है, छठ क्यों मनाई जाती, कैसे मनाई जाती है। लोगों के मन में बहुत पहले ये प्रयास रहता था, दिमाग के अंदर रहता था कि केवल नाच गाने का एक त्यौहार है, यहाँ एक श्रद्धा का त्यौहार है और इसमें कैसी शुद्धता रहती है, कितना अनुशासन रहता है, उसका हम लोग पालन करते हैं। बहुत ही अच्छे लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा होती है, भगवान की बड़ी कृपा है। छठ मैया की जय। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा, काफ़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आए और छठ का व्रत बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से हमारे इस सेक्टर 11 के घाट पे मनाया गया। कुछ चुनौतियां हैं आगे के लिए हम लोगों को, क्योंकि इस बार जितना हम लोग सोच रहे थे उससे काफ़ी संख्या ज़्यादा हो गई थी, तो अगले बार के लिए जो चैलेंजेज हैं उसको हमारी कमेटी अगले बार बात करेगी कि कैसे इस पर हम लोग इसको और अच्छे ढंग से करें। सबसे बड़ी हमारे छठ पूजा की महत्ता ये है कि आपने पूरे दिल्ली में या पूर्वांचल में देखे होंगे बहुत भगदड़ होता है, यहाँ बड़े लोग शांतिपूर्वक छठ मनाते हैं और किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, छठ जो होता है हम केवल ये आयोजन करते हैं, लोग खुद आते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं, निमंत्रण नहीं भेजते हैं, तो ये हमारी सबसे बढ़िया एक व्यवस्था, देख के लोग आते हैं और हमारे इस समिति पर उनको ट्रस्ट है, जिसके चलते लोग आते हैं कि वहाँ जाएंगे तो हमें जगह भी मिलेगा, हम शांतिपूर्वक पूजा भी करेंगे और हमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो ये इस छठ पूजा की बहुत बड़ी खूबी है और माँ छठी मैया हम लोग पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें कि इसको और बड़े रूप में करें, लोगों के हम लोग अच्छे काम करें। अभी जो है इसमें जल बोर्ड से जो कल बात हुई थी आपसे, वो पानी इसमें घाटों में सब में शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर पानी जो है भर दिया गया था। अब जैसे ही सुबह जो है सूर्य उदय होगा उस टाइम इनका जो है छठ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इन सारे घाटों को पंप लगा के और टैंकर को जो है बोल दिया गया है, जो पेड़ों में हॉर्टिकल्चर में पानी देते हैं ना टैंकर, उनका ठेकेदार को बोल दिया गया, वो अपने टैंकर सारे भेज देगा और उसमें जो है हम उसमें पंप लगा के और उनमें भर देंगे, वो उसके द्वारा जो जितने भी पार्क वगैरह जहाँ वो डालते हैं वो पौधों में दे देंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा और पानी की वेस्टेज नहीं होती। धन्यवाद। देखिए, हम लोग हर एक साल छठ पूजा पे फ्री मेहंदी लगाते हैं और आगे भी लगाते रहेंगे हम, और सेवा हमेशा देते रहेंगे हम। कितने सालों से लगाते हैं? हमको 8-9 साल तो हो गए। कहाँ, किस नाम से आपकी मेहंदी की दुकान? द्वारका सेक्टर 6 में है, राज के नाम से, राज मेहंदी आर्ट्स, सागर रत्ना के नीचे। तो आज कितने लोगों को मेहंदी आपने लगाई? कम से कम 400-500 लोगों को लगा है, 10-12 आदमी थे हम लोग, सुबह 3-3:30 बजे से लगाए हैं, अभी तक लगाए हैं। कौन सी जगह है ये? द्वारका सेक्टर 6 रेडियो ग्राउंड, द्वारका सेक्टर 11 डी डी ग्राउंड। ठीक है, हर एक साल हम लोग लगाए, जब तक आगे जिएंगे तब तक लगाते ही रहेंगे। छठ पे ही लगाते हैं या और किसी त्यौहार में? नहीं, ये छठ पूजा में ही हम लोग फ्री मेहंदी लगाते हैं, बाकी ऐसे मेरा स्टॉल है सेक्टर 6 में, वहाँ पे परमानेंट लगाते हैं। और जब देंगे इतना शानदार प्रोग्राम और हजारों में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे। देखिए, बहुत खुशी होती है जब सारे भक्त एक उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ होंगी और हम लोग उस उम्मीद पे खरे उतरते हैं, तो बहुत खुशी होती है।
क्योंकि उनकी संतुष्टि के लिए पूजा की जा रही है। अगर वो संतुष्ट हो जाए तो हमारा सारा जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, डमरू दल आया और काफी संख्या में लोग श्रद्धालुओं ने उसका आनंद उठाया। इसके बारे में क्या कहेंगे? पहली बार अद्भुत 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 शब्द है, अलौकिक, पारलौकिक, दैविक, ये जितने भी जो शब्द हैं वो आज सारे यहाँ पे चरितार्थ होते हुए नजर आए हैं। क्या रोबिन जी को लगता नहीं कि ये जगह भी कम पड़ेगी, जिस तरह दिल्ली की नंबर वन कही जाने वाली छठ पूजा को कहते? देखिए, ये जगह कम अगले साल पड़ेगी अगर हम इसको विस्तार नहीं करेंगे। इस साल जितनी जगह हमने बनाई उतने में सारा लोग समा गए और सब लोग बहुत ही व्यवस्थित होकर सबने पूजा की। अगले वर्ष यही व्यवस्थाएँ और बढ़ा दी जाएंगी। अगर हमारी संस्था नहीं बढ़ाएगी तो जगह कम पड़ जाएगी, इस वर्ष के लिए पर्याप्त था। मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। झारखंड से यहाँ छठ पूजा करने या छठ देखने आए? छठ अभी देखने आए हैं, इस बार किसी कारणवश नहीं कर पाए, नहीं होता हुआ इस बार हम लोग का। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत। 30 छठ घाट पहली बार एक ग्राउंड में पहली बार देखे हैं। अगर व्यवस्था की बात की जाए तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारे मतलब एक महिला सुरक्षा गार्ड है सब जगह, बहुत अच्छी है व्यवस्था, सारी अच्छी है। समिति को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छे से।